तो आपका एक बार दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब भारतीय स्टेट बैंक के कस्टमर केयर से अगर आप बात करना चाहते हैं और आप टोल फ्री नंबर ढूंढ रहे हैं तो आज के इस वीडियो में मैं वो टोल फ्री नंबर बताने वाला हूँ जिससे कि आप डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं SBI बैंक का। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और जानिए कि कौन सा है वो नंबर और आपको लाइव प्रूफ के साथ कस्टमर केयर से बात करके भी दिखाऊंगा। नमस्कार, भारतीय स्टेट बैंक में आपका स्वागत है। हिंदी में जारी रखने के लिए एक और अपनी भाषा बदलने के लिए 0 दबाएं। अपने ATM कार्ड UPI इंटरनेट बैंकिंग ब्लॉक करने के लिए 0 दबाएं। खाते की शेष राशि प्राप्त करने और खाते के विवरण के लिए 1 दबाएं। ATM कार्ड और चेकबुक सेवाओं के लिए 2 दबाएं। SBI योनो इंटरनेट बैंकिंग और ब्याज प्रमाण पत्र के लिए 3 दबाएं। ऋणों डिपॉजिट फीडबैक और शिकायतों के लिए 4 दबाएं। हज यात्रा से संबंधित बैंकिंग विभिन्न ब्याज दरों के लिए 1 दबाएं। जमा राशि और ऋण के लिए 2 दबाएं। दर्ज की गई शिकायत की स्थिति जानने के लिए 3 दबाएं। नई शिकायत दर्ज कराने के लिए 4 दबाएं। हमारे सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएं। हम ग्राहक सेवा अधिकारी से संपर्क करा रहे हैं, कृपया होल्ड कीजिए। ये कॉल हमारे गुणवत्ता विभाग के प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड की जाएगी। अपनी गुप्त जानकारी जैसे कि OTP, CVV, ATM पिन, TPIN, यूजर नेम या पासवर्ड इस कॉल पर ईमेल के द्वारा या SMS के द्वारा किसी के साथ ना बांटें, बैंक अधिकारियों के साथ भी नहीं। मैं आपका स्वागत है, मैं साथी आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? तो मैंने तो कॉल कट कर दिया क्योंकि मुझे अभी कस्टमर केयर से बात नहीं करनी है। अगर आपको करनी है तो यही नंबर है 1800-1234, तो यही टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल करेंगे डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात हो जाएगी। कॉल लगाने के बाद 149 दबाना है, जैसे जैसे मैंने दबाया उसी तरीके से दबा देना तो डायरेक्ट आपका कस्टमर केयर से कनेक्ट करा देगा।